कोविड से मरने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 50,000 रूपए मुआवजा दिया जाएगा। इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्य व कोविड से संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल थे। मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड होना चाहिए और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमीरपुर जिला प्रशासन ने संबंधित परिवारों से अपने दावों को राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से दस्तावेजों के साथ जमा करवाने का आह्वान किया है। उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन ये प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर तथा मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संकलन करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देवश्वेता वणिक ने बताया कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संकलन करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। ये प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज की सूची उपायुक्त हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन ये प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर एसडीएम कार्यालय में अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुआवजे के दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पुख्ता बनाया गया है, लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल ही इसे बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दावों को अवश्य दस्तावेज जमा करवाने के 3 दिन के भीतर निपटाया जाएगा और मुआवजा राशि आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के माध्यम से वितरित की जाएगी। पिछले कल ही सरकार की तरफ से हमें डायरेक्शंस प्राप्त हुए हैं कि जो जो लोग कोविड-19 की बीमारी के से ग्रसित होके जिनकी डेथ हुई है दुर्भाग्यवश, उन के नेक्स्ट ऑफ किन जो उनके इमीडिएट जो अगले एयर्स हैं, उन लोगों को एक एक्सप्रेशिया जो है रिलीफ के माध्यम से जो है सरकार द्वारा मदद की जाएगी। और इसके तहत हमने जानकारी जो प्रेस में भी दी थी, हमारे वेबसाइट में भी है, एक फॉर्म जो है, एक क्लेम फॉर्म जो है वो सरकार द्वारा एक बनाया गया है। उसमें अलग अलग डिटेल्स हैं, उसमें डेथ का कॉज है वो उसकी डिटेल्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों की डिटेल्स और बैंक अकाउंट्स हैं उसमें अलग अलग डिटेल्स रहेंगी। बहुत सिंपल फॉर्म है और साथ में उसी फॉर्म के साथ एक और लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत पड़ेंगे उस क्लेम फॉर्म के साथ।